मॉम्स से आप सब एज अ टीचर मैंने देखा है कि बच्चे सारी जो फोनिक साउंड है सब कुछ सीखने के बाद भी पढ़ने से डरते हैं वर्ड को ब्लेंड करने से डरते हैं या फिर वो रीडिंग में स्लो होते हैं सो so, आपके बच्चे के साथ ऐसा ना हो जब वो ग्रेड वन में ग्रेड टू में जाए जहाँ पर बहुत सारा पढ़ना होता है तो खिंडा गार्डन में ही आपको कुछ एक्टिविटीज कुछ फोनिक अवेयरनेस एक्टिविटीज करवानी होगी सो so दैट उसकी रीडिंग में कॉन्फिडेंस बढ़े वो ब्लेंडिंग थरोली कर पाए सो हाउ कैन वी डू दैट हम क्लासरूम में भी एक्टिविटीज़ करवाते हैं रीडिंग क्लास में जहाँ पर इंस्टेंट बच्चे को वर्ड्स दिया जाता है फॉर रीडिंग पर्पज़ सो ये एक्टिविटीज़ क्या है किस तरह से बच्चे को करवाना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे वीडियो पूरा देखें बहुत इफेक्टिव होगा और आप डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देखेंगे बच्चे की रीडिंग स्किल में ब्लेंडिंग स्किल में फोनिम अवेयरनेस की जो एक्टिविटीज़ है वो साउंड मैनिपुलेशन पे होती है फोनिम मतलब सिंगल साउंड इन ए वर्ड सो रैट जैसे थ्री साउंड है तो र एक फोनिम हुआ ए एक फोनिम है और ट एक फोनिम है तो सिंगल साउंड को फोनिम कहते हैं और फोनिम एक्टिविटीज़ जो फोनिंग अवेयरनेस की एक्टिविटीज होती है वो इस तरह की होती है सो so, सबसे पहली एक्टिविटी है चेंज द साउंड जहां पर आप वर्ड देंगे एंड इंस्टेंटली यूल आज टू चेंज एनी सिंगल साउंड इन दर्ड एंड रीड यहां पर बच्चे अंदर ही अंदर मुंह के अंदर ही ब्लैंड करेंगे सो दिस इज हाउ यू डू जस्ट गिम लिस्ट ऑफ वर्ड एंड आईम टू चेंज अ पर्टिकुलर सिंगल लेटर इस तरह से न्यू वर्ड दिस वर्ड एंड एज वेल Year. तो इस तरह से ये एक्टिविटी होती है बोर्ड पे भी हम इसको कराते हैं बच्चों को और रीडिंग सिखाते हैं जहां पर उनका जो डर है रीडिंग का वो थोड़ा सा कम होता है विद रिस्पेक्ट टू न्यू वर्ड्स एंड ब्लेंडिंग यहाँ पर है कुछ वर्ड्स इस तरह के आप इस तरह की कोई वर्कशीट बना सकते हैं और पढ़ने के लिए इनक्रेज कर सकते हैं इस एक्टिविटी को टाइम टू टाइम कराएं अगर बच्चे सीवीसी वर्ड्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सीवीसी वर्ड्स कराएं बच्चे अगर ये डायग्राफ्स पढ़ रहे हैं तो डायग्राफ्स रिलेटेड वर्ड्स इस तरह के दें या फिर दूसरी कोई साउंड uh, सीख रहे हैं तो उनके रिलेटेड इस तरह से वर्ड्स दें देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्टिविटी सिमिलर एंड इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है टू रिमूव द साउंड एंड मेक अ न्यू वर्ड जैसे कि फ्रॉक में अगर हम एफ निकालेंगे तो बनेगा रॉक सो गिव वर्ड एंड आज टू साउंड इस तरह से फार या फिर हम अगर एफ भी कैंसिल करेंगे तो बनेगा बनेगा आम इस तरह से विंग में से अगर हम एन कैंसिल करेंगे तो बनेगा विग या फिर हम जी कैंसिल करेंगे तो बनेगा विन ब्रश ब्रश से अगर आप आर कैंसिल करोगे तो बनेगा बुश बच्चे में भी इसको भी रश की तरफ पढ़ेंगे बश बट इट इज नॉट बश इट इज बुश राइट बस इसको थोड़ा सा हार्ड दीजिए और बताइए कि ये स्पेशल साउंड uh, है मतलब क्योंकि ये यूजुअल साउंड से थोड़ा हटके दे शुड रिमेम्बर इट इट इज बुश अगेन स्लेड अगर हम एस कैंसिल करेंगे तो बनेगा lead, हम अगर टी रिमूव करेंगे बनेगा प्लान तो इस तरह से आप वर्ड दे सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं साउंड को और बच्चे को रीड करने के लिए कह सकते हैं तो ये भी एक इंस्टेंट एंड इफेक्टिव एक्टिविटी है जहां पर आप बच्चे को वर्ड देंगे और न्यू वर्ड बनाकर पढ़ने के लिए, के लिए कहेंगे रीडिंग कॉन्फिडेंस और जो फ्लुएंसी है वो बढ़ेगी इस तरह की एक्टिविटीज से। नाउ लेट्स गो टू दी थर्ड एक्टिविटी सिमिलरली यहां पर भी हम एड न्यू साउंड टू द गिवन वर्ड्स ये एक और फोनिम अवेयरनेस एक्टिविटी है जहां पर बच्चे वर्ड रीड करेंगे एंड व्हेन यू आस्क देम टू ऐड न्यू साउंड दे विल मेक अ न्यू वर्ड आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग वर्ड जैसे के अप व्हेन यू ऐड सी इट बिकम्स कप टॉप व्हेन यू ऐड एस इट बिकम्स स्टॉप हट व्हेन यू ऐड एस दिस बिकम्स अ डायग्राफ शट रेन दिस इज अ ब्लेंड ट्र ट्रेन इस तरह से आम हम एफ ऐड करेंगे बनेगा फार्म सी ऐड करेंगे तो बनेगा टी ऐड करेंगे तो बनेगा स्टार्ट हॉप अगर एस ऐड करेंगे तो बनेगा शॉप सी ऐड करेंगे तो बनेगा चॉप इस तरह से यू कैन गिव वर्ड्स पैन एंड में टी ऐड करेंगे तो बनेगा पैंट वर्ड्स दीजिए एंड आज देम टू ऐड वन सिंगल लेटर आइदर इन द दिगिनिंग और इन एंड और इन बिटवीन समटाइम्स जैसे कि ईयर ईयर हम टी यहां पर ऐड करेंगे तो बनेगा टेर अब यहाँ पे साउंड चेंज हो रही है तो यू कैन अंडरलाइन गिव अ हार्ट एंड टेल देम गिवहट पर साउंड चेंज हो रही है एंड देम टू इसी तरह से होता है क्योंकि ई e, ए की थ्री साउंड होती है इफ यू रिमेंबर ई ए की थ्री साउंड होती है एक होता है लॉन्ग ई e, जैसे लीफ में देन होता है शॉर्ट ई e. ए साउंड जैसे कि हेड में लॉन्ग ई शॉर्ट ई देन लॉन्ग ए भी होता है विच इज नॉट दैट कॉमन सो लॉन्ग ए होता है वर्ड में जैसे कि ग्रेट में so तीन साउंड्स होती है बट देर इज नो रूल विच टेल्स के कौन सा uh, आपको पढ़ना है लॉन्ग ई पढ़ना है लॉन्ग ए पढ़ना है सो वॉट यू हैव टू है करते करते ही वो कैबलरी सीखते सीखते ही बच्चे को रीडिंग आएगी सो लॉक एट सी एंड इट बिकम क्लॉक रेन ब्रेन बी एड करना है एंड यू कैन गिव पी हियर पैंट लाउड क्लाउड ब्लेंड हम दे रहे हैं टिक यू कैन गिव एस हियर स्टिक हैट यू कैन गिव सी इट बिकम अ डायग्राफ चैट पढ़ना होता है वो सिखा सकते हैं याद रखे इस एक्टिविटीज को कराते वक्त ब्लैंडिंग जो है ना बच्चे को मुंह के अंदर ही करनी है दे हैव टू रीड द वर्ड डायरेक्टली इससे बच्चे रीडिंग इम्प्रूव करेंगे और साथ ही अगर बच्चे सीवीसी वर्ड्स पढ़ रहे हैं तो सीवीसी वर्ड्स दीजिए अगर बच्चे uh, ये डायग्राफ्स पढ़ रहे हैं तो डायग्राफ वर्ड्स दीजिए या फिर और कोई साउंड कर रहे हैं तो उन उसके रिलेटेड वर्ड्स दीजिए सो so, ये एक्टिविटीज आपको रेगुलरली करवानी है ये एक्टिविटीज ज्यादा कोई टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल नहीं होती बट हम टीचर्स जब पढ़ाना होता है ना रीडिंग क्लास में वहां पर हम इस तरह की एक्टिविटीज बच्चे को कराते हैं क्लासरूम में सो so दैट वो रीड करना सीखे और हम ये भी चेक करते हैं कि उनको साउंड्स याद है या नहीं एंड और बच्चे उन साउंड्स को ब्लेंड करके वर्ड पढ़ पा रहे हैं या नहीं सारी सिंपल सिंपल वर्ड्स ही दीजिए बिग बिग वर्ड्स नहीं दें वरना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि किंडरगार्टन के बच्चों को ये एक्टिविटीज हम करवाते हैं तो so ये थी थ्री फोनिम अवेयरनेस स्किल्स अगर आपका बच्चा साउंड भूलता है पढ़ने के बाद ब्लेंड वो स्लोली कर रहा है रीड वो स्लोली कर रहा है तो इन सभी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए दीज आर द एक्टिविटीज एक्टिविटीज अवेयरनेस सो ये था आज का वीडियो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करे शेयर करे और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडेड मॉम्स Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.